Assalamu alaikum, welcome to Sama Lounge. I am your host, Basil Mushtaq. Today we have a very well known singer, Presidential Award winner. He is the best chef of the year in 2009 by Unilever. Representative of Kotham, PhD in mass communication, dress designing, interior designing, he's everywhere. Please welcome none other than Adil Assalamu alaikum Adil, sir. How are you? <laughs> Thank you very so much. I am perfectly fine. You have HSN and Cathedral Justice you have extracurricular activities. Bhi hoti thi. बहुत तो बहुत किस तरह की एक्टिविटीज होती थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ऐसे राइटिंग क्विज पोइट्री सॉन्ग नात खानी आज नात ख़ानी में तो मैंने सात आठ दफ़ा उम्र का टिकट बिन किया अच्छा। आ, स्कूल और कॉलेज की तरफ से जाके और इब्तदा एक नात क्योंकि फैमिली में इतनी पजीराई नहीं थी म्यूज़िक को तो नात और हमदे बारी ताला पढ़ने पर ज़रा शाबाश मिलती थी और इसलिए मेरा ज़्यादातर ज़ोर फिर उस पर ही तो नाच ये म्यूजिक की तरफ कैसे आपका टर्न हुआ हाँ, म्यूज़िक उस म्यूजिक म्यूज़िकलर तो अंदर ही चल ही रहा होगा तो नात के लिए तो ये था ना कि सब शाबाश दे के भेजते थे फिर म्यूज़िक शुरू हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज में बुखारी ऑडिटोरियम में फ़रानी साहब थे साँग, उस वक्त शफकत इमानत अली हमारे सीनियर ग्रुप में थे जवाद अहमद थे और भी बड़े नॉन नाम बल्कि हमारे एक दो लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं इनकी मिसेस भी होते हैं। प्रोग्राम वो देखेंगे हमारा हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन सच गुड सिंगर शादी के बाद उन्होंने भी छोड़ दिया तो उस कॉम्पिटिशन में हम लोग जाते थे और फिर शबकती मानत अली को विन करना अच्छा ये अब ये भी शफकत देख रहे होंगे बिकॉज शफकत नाउ यू आर अग बिग 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 स्टार तो मेरे लिए ये एक अच्छी सी याद है ना कि मैंने आपको इंटर कॉलेज मुकाबले में विन किया हुआ हाँ सही तो वो बुखारी एडिटोरियम के कॉम्पिटिशनस और उसमें म्यूज़िक के साथ तराने पढ़ना और कलाम इकबाल पढ़ना और बस फिर इसके साथ ही फिर गानों की एंट्रियाँ हो गई और जब मैंने पड़ोसी मुल्क का यह प्रोग्राम सारेगा विन किया तो उस वक्त से फिर शायद कहीं जाने अनजाने में ये तय हो गया था कि अब मुझे सिंगिंग ही करनी है और फिर बज़ल उसमें ज़्यादा चीज़ ये अच्छी थी ना कि घर से पॉकेट मनी तो बहुत ज़िद करके बहुत शाउट करके ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके खाना ना खा के भी जो थी वो इतनी की बस मिलती थी कि जिससे बस आपको लंडे शंडे से पेंटे दो चार खरीद ले अच्छा <laughs> तो <laughs> बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं तो म्यूजिक में आते ही कम से कम हज़ारों में तो मिलने लगे ना तो एक गाना इट वाज माय जबिलती इन बॉर्न टैलेंट ओके और फिर आ, अब ये भी एक मुस्त बात हो गई है आज की डेट तक के सचमुच मुझे अपनी मेमोरी पर रश करता है अच्छा आपने अभी पड़ोसी पुरो, मुल्क की बात की है तो आपने वहाँ पर भी काफ़ी काम किया है बहुत तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा फेम मिलता है या यहाँ अब हमारे पड़ोसी मुल्क में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री है दुनिया की सबसे बड़ी और एक ही वक्त में वहाँ से रिलीज़ होने वाला गाना पूरी दुनिया में ना सिर्फ बड़े मुमालिक में बल्कि छोटे 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 और वो गाना बजने लग जाता है आपके कानों में। और गाना कोई भी हो वो इस थ्योरी को समझते हैं है, उन्हें है वो सब चैनल पर एक गाने को दिन में 20 20 30 30 दफा चला देंगे तीसरे चौथे दिन वो गाना अच्छा है या बुरा है आपके मेरे जुबान पर आ जाएगा तो आजकल जिस तरह म्यूजिक हो चुका है एक टर्न लिया म्यूजिक ने एक शिफ्ट हुआ जो में जो आजकल यंग से सुन रहे हैं आप उसको कैसे देखते हैं बहुत अच्छा म्यूजिक अपने सुर में होना चाहिए बहुत अच्छा क्या क्या बुरा कोई भी बुरा नहीं गा रहा और सबसे अच्छी बात यह है कि अब एक पीटीवी वाला जमाना नहीं है नाइस टियन वाला जमाना है अब तो जो काम अच्छा बंदा कर रहा है वो अपना चैनल बना लेता है उसके हिस्से का फैन क्लब उसे मिल जाता है और उस हिसाब से वो चलता है मैं म्यूज़िक के हवाले से बढ़िया अच्छे यहाँ काम हो रहे हैं अब तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी और हमारे ड्रामा में आप देखिए वो जितने थीम सॉन्ग्स बन रहे हैं यू एस टी वगैरह सारे मज़ेदार सो इज़ देर सॉन्ग दैट यू लाइक जो आप अक्सर सुनते हो गुनगुनाते हो हमें भी जरा वो एक जरा जादू दिखाएँ सजना कब होगा पूरा ये सदियों का सपना सावन आए हो सावन जाए पुकारे गीत हमारे खूबसूरत यार बहुत बहुत अच्छा आपके वाले साहब भी एक राइटर थे राइट एक दफ़ा का जिक्र जी तो आपका कोई कनेक्शन है कि आप इस म्यूजिशन आप जो शायरी आप म्यूजिशन इसका कोई कनेक्शन है आप, आपके वाले साहब के राइटर होने से नहीं बजल म्यूजिक का काबाजान से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन अदब का है ओके okay. अदब का अमीर से भी है यकीन मेरी फैमिली में कोई ना कोई बहुत अच्छा गाता होगा जो फैमिली रवायत की वजह से या माशरती दबाव की वजह से लबआआम पर नहीं आ सका लेकिन ये टैलेंट दर्जा उत्तम मौजूद रहा होगा उसमें फैमिली में तालीम थी अम्मी जान दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे प्रोफेसर थे सो उस भी हाफ में मैंने एजुकेशन तो की फिर मैंने आ, लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी okay. से और एम ए उर्दू किया पी एच डी की मिर्जा गालिब के एक टॉपिक में ये वो तो अभी की खैर मैंने तो वो उस तरह से चलता रहा आ, मैं फिर यही कहूँगा आपके प्रोग्राम में क्योंकि मुझे जारा ने बोला था ना सच्ची सच्ची बातें कि म्यूज़िक में आना एक थारसीज था और दूसरा शायद मेरी पैसे की ज़रूरत भी थी okay. और यहाँ से मिलने वाले ये पैसे जो थे वो मुझे बहुत उन्होंने अच्छा किया और मैं कहाँ बड़ी मुश्किल से बाइक पे जाता था फिर एफ एक्स जुकी मिली आ, लेकिन इस म्यूजिक ने मुझे सब कुछ दिया मेरे मेरे ड्रीम वैल्यूज़ को हकीकत का रूप दे दिया बिल्कुल सो आई एम वेरी हैप्पी और मतलब ठीक है राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम अपनी जगह पे बहुत अच्छे और बड़े महंगे सिंगर हैं है। लेकिन एक सेटिसफेक्शन हमेशा मुझे भी भी रखती है है। कि एक ही बिल्कुल, आपका एजुकेशन पे म्यूजिक uh, में इस चीज में बहुत ज्यादा आपका ध्यान था लेकिन आपका क्या बचपन में खेल कूद में भी शौक था किसी स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में खेल में तो नहीं कूद में जरूर अच्छा बाहर <laughs> काम में मैं कूद पड़ता था हाँ। <laughs> खेल में भी था यस था और मुझे ऐसा लगता है कि जितने शरारती बच्चे होते हैं दरअसल वो बड़े जहीन होते हैं और शरारती उनकी एनर्जी का एक पहलू होता है क्योंकि हमारे बचपनों में तो हमारी मदर्स ने हमारी दादी नानियों ने हमें चीनी की भरमार खिलाई थी अब अब तो जैसे ओरिजिनल स्वीट पे बच्चों को पाल रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी थेरेपी है ना इससे बच्चे का एग्रेशन भी कम होता है मूड भी ठीक रहता है अच्छा आदिल सर आर्मी इवेंट्स में भी आपको काफ़ी स्पेशल इन्विटेशन आते थे तो किस जनरल को कौन सा गाना पसंद था आते हैं आते हैं बड़े बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गाने पसंद हैं मैं अपनी आ, मतलब अर्ली यूथ से गा रहा हूं और उनके देखते देखते बहुत सारे लाइक सुना है परवेज मुशरफ की एक लिस्ट होती थी जब वो आप आते थे उन्होंने गाने तैयार किए मुशरफ साहब की मिसेस मुशरफ की और बहुत मोहब्बत से मुझे सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था जब वो घर तशरीफ़ लाते थे अली जफर जो हैं हमारे ये भी मेरे सामने ही रहते थे ना अच्छा। यू ब्लॉक में तो इस सिलसिले में ये भी कन्वर्सेशन वग़ैरह मज़े की रहती थी आरिफ साहब आरिफ अलवी साहब इनके सारे पर्सनल जो फैमिली डू फंक्शन में ही किया करता था बल्कि वो मेरे दांतों की पॉलिश भी उन्होंने ही अच्छा। की हुई है इमरान खान साहब तो वैसे ही अब्बा के पपीज़ा लगते थे उनकी मदर बरकी फैमिली में से हैं और जना बाजवा जो थे उस वक्त जब यंग ऑफिसर थे जब मुशरफ साहब के दौर में हम नलतर और आ, स्कर्दू नलतर इस तरफ जाते थे तो इनके साथ भी हेलीकॉप्टर में काफी सफर का मौका मिला जनरल मुशरफ का सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना कौन सा मुशरफ साहब बहुत सारे गाने मेरे साथ गाते थे जैसे तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये माना कि मैं है फिर जमा है सी है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं फिर वो भी जब तेरे शहर से गुजरता हूँ तेरी रुसवाई जिस दिन से देखा है तुमको सनम बेचैन रहते हैं उस दिन से हम लगता है ऐसा खुदा की कसम तुम मेरे हो सावन है बरसात होती नहीं उब कभी बात और फिर वो भी गाना ठहरा है समा पायल में गीत है झमझम के तू लख चल उल्फत की नई मंजिल को चला ए जज्बाई दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुँह आज वो इश्क जो हमसे रूठ रूट गया

उस वक्त तो बज़ल नादानियाँ गुस्सा आता है, लेकिन नादानियान सचमुच वक्त गुजरने के साथ आपको एहसास होता है कि ये ये टर्निंग आपकी लाइफ में नहीं आई होती है। तो आपके अंदर वो कामयाबी का जज्बा बढ़ ही नहीं सकता था। आप देख लें हमारे यहाँ जितने क्रिएटर्स हैं सारे मज़ाफ़ी इलाकों से और सख्त गिर माहौल से आए हैं बिल्कुल आ, क्योंकि इतनी गर्मियों में इतना सख्त गेम और उसकी प्रैक्टिस मम्मी डैडी फैमिली से करनी से इवन तुम्हारे वालिद इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं तुम नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे ही। तो आ, उस तरह से ही कि बड़ों की जो बातें वक्ती तौर पे आपको बुरी लगती हैं लेकिन अगर आप उन्हें सह जाते हैं तो आने वाले वक्तों में वो गुजरे हुए सख्त लम्हा जो है आपकी जिंदगी को बहुत मुत्तर और हसीन बना देते हैं सही तो बट आपको किसी ने सपोर्ट किया फैमिली से आपकी मदर ने फैमिली में आ, अम्मी जान की सपोर्ट थी मेरी बहन की सपोर्ट थी वो मेरे साथ ही ज्यादा होती थी और मेरे साथ होने का मतलब गाती बिल्कुल नहीं थी लेकिन वो ऐसे मेरी बुक मॉडल पकड़नी मज़ा हाँ। हम कर दोनों बहन भाई पढ़ते थे तो मैं उसे वो इंग्लिश एम इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी और मैं लॉ में था हाँ। तो मैं वहाँ से ओल्ड कैंपस होने लेने आता था फिर हम निकलते थे हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती थी जब डिफरेंट फैमिलीज़ के उन दिनों में अल्लाह गरी रहमत करे बेगम कुरसूम नवाज शरीफ साहिबा वो भी बहुत अच्छी खातून थी वो घर तो शरीफ न जी के साथ कई दफ़ा लाएं नहीं। नहीं। तो बल्कि ये जो मरियम औरंगज़ेब साहेब इनकी मदर और ये सब याद होगा ना मरियम जी तो तारी अंटी, नजी नजमा हमीद तो ये सब इन लोगों ने मुझे स्टार बनाया बिल्कुल ये हमें, मुझे याद है जिम खाना में मेरा शो और मुझे मियाँ मिसबाउरहान वगैरह कहने लगे गाने के साथ साथ लोग तुम्हें माशाल्लाह और औरतें कह रही थी सदके सदके तो कहने लगे है कि मैंने कहा मन नहीं पता बस कुछ है आप अभी भी रियाज करते हैं अब तो मैं इम्तियाज़ भी करूँ <laughs> <laughs> रियाज जरूरी होता है आ, वो आपके गले को आ, जरा चौकस रखता है जैसे कोई भी स्पोर्ट्स मैन जो है आ, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए एनर्जेटिक रखने के लिए फॉर्म में रखने के लिए एक्सरसाइज करता है तो इस तरह रियाज जरूरी है लेकिन जिन दिनों में ज्यादा शोज हो रहे हो उन दिनों में फिर थोड़ा रेस्ट हम अपने गले को दे देते हैं सही। आप कैनेडा और दुबई में भी आपने काफ़ी वक्त गुजारा है म्यूज़िक uh, को आपने काफ़ी वक्त दिया है लता मंगेशकर जैसे या, स्टार्स या, के वो साथ लता बहु... जी के साथ तो जिंदगी के हसीन लम्हा वो दो मुलाकात जो हैं बड़ी मज़े की रही रहीं जबकि मैडम नूरजाँ के साथ क्योंकि बाकायदा मैं उनका शागिर था तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा वक्त गुजरा बहुत ज्यादा वक्त गुजरा उनसे तो गाने के इसरारमूज के अलावा मैंने जिंदगी के भी बहुत नशीब सीखे कि वो हर तबके के लोगों को डील करने का एक हुनर जानती थी और गायकी में फीलिंग फीलिंग का क्या मुकाम है ये मुझे मलका तरन्नम नूर जान साहिबा ने बताया सही मुझे याद है कि उन्हें गाना बहुत अच्छा लगता था मुझसे बहुत सुनती थी हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ तो और बहुत दुखी भी हो जाती थी तो एक दिन मैं गया तो मैंने इनके साथ स्टूडियो जाना था मैं इनके साथ स्टूडियो चला जाता था और वहाँ अदरीस साहब जो नरगिस और दीदार के फादर हैं ये साउंड इंजीनियर थे बड़े अच्छे इनका नाम अदरीस तो इनका एवेन्यू स्टूडियो में मैडम के अक्सर होते थे तो मैं ये देखता था कि मैडम गाने में फील का कितना रंग भर देती हैं यानी वहाँ से मुझे एहसास हुआ और देन फिर सोनू निगम के साथ प्रैक्टिस में आ, मुझे पता चला कि एक बनाने वाला कंपोजर कैसा सीधा गाना बना देता ना और गाने वाला कैसे बना मैंने ये गाना पहली दफा सुना जो अभी मैं तुम्हें सुनाता हूँ अच्छी मियाँ भी मौजूद थी और मैडम थी तो आ, मैडम को ना वो बता रहे थे एक उस्ताद आए हुए थे कि मैडम आ, मैडम जी ताड़ा गाना अच्छा मैडम तो उन्होंने ना एक गाना बजाया आ भी जा आ भी जा तो उन्होंने इसे सीधा सगाया कि गजब किया तेरे वादे बार नोट टू नोट ठीक था तो Uh, मैडम कहने लगी कि थी ना सिंगर हुँ. तो कहने लगी नहीं सिर्फ तुसी, ए, स्केल ते हाथ रखो एंड फर्क ये था कि सुर में वो भी थे हुँ. ये नहीं था कि सुर कहीं डगमग था लेकिन फिर थी मैडम ने आते का गजब किया तेरे वो पे अभी जा इसी तरह फील तो आप में भी बहुत है ऐसा फील आनी चाहिए किसी सिंगर में बिल्कुल जैसे एक सीधा सा गाना था पड़ोसी मुल्क हमारे वो मेरे सामने वो बना और कैसे उसमें उन्होंने फील डाली तो ये फील्ड सिंगर डालते हैं और फ़ील के बग़ैर फील जो है ये सुर और लय से भी ऊपर का सफर है। बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा आपने मैडम नूरजहाँ का जिक्र किया आप उनके शागिद भी रह चुके हैं तो उनका कोई गाना तो सुनाए मैडम के सारे गाने मुझे आते हैं और सारे गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं क्या पंजाबी क्या उर्दू और इस वक्त उनका गाना मुझे याद आ रहा <coughs> क्यों भीगे तोरे ने रे क्यों भीगे तोरे ने तोड़ना अपने सुंदर सपने बदलेंगे गे दिन क्यों भी तोरे ने टाइम फॉर ब्रेक गाइट की वॉचिंग संभाल

फितरतन फितरतन अच्छा नहीं लगता दिल करता है कि जैसे मैंने आप किसी चैनल का एक पॉडकास्ट के पहले किया था और वन ऑफ मेरा ख्याल मेरी जिंदगी का बेहतरीन मुझे लोगों ने ये कहा और आप सब लोग देखिएगा भी आ, लेकिन वो फिर गुजर गई कल की बात थी ना आज के लिए फिर मुझे कुछ करना चाहिए बिल्कुल तो आ, मैंने आ, कुकिंग uh, पैशन था तो उसी लिए मैंने उसे किया और जब वो भी माशाल्लाह इस अभी भी गौतम के लिए मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज uh, देता हूँ और सारा कुछ uh, तो देखिए कुछ भी हो सकता है बिल्कुल आपको बहुत ही कम एज में प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिल गया था हाउ डिड दैट फील मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली को मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली को उस पर आपने कहा कि इट मैं ग्रेट डील टू ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलना तो डिड दैट हेल्प आपके फादर की नाराजगी कुछ कम हुई उस चीज़ से नहीं अबू की नाराजगी तो उससे पहले ही कम हो चुकी थी अच्छा आ, लेकिन वो एक और एरा और और जनरेशन के इंसान थे वो एक राइटर थे और फिर आ, क्या मैं पाकिस्तान के दौरान में उन्होंने काम किए हुए थे उनका अदबी लोगों में बानो आपाक बानो कुत्सिया साहबा के साथ इश्क अहमद मुनिर नियाजी अहमद नदीम कासमी साहब सिपते हसन जैगम साहब इस तरह बुशरा रहमान साहिबा ये इस तरह के लोगों में अब्बा का ज़्यादा था वो हमारे पुराने वाले घर में से हैं इनमें वो पानी रात को छिड़काव करके और साइड पे छोटी छोटी क्यारियों में मोतिये के वो भूल थे वो तोड़ के सरहाने रख लेते थे बैंती चारपाइयों अच्छा। पर पानी का छिड़काव हुक्का सुलघा के फिर वो सारे बैठ जाते थे और वो जो भी घर में बनता था इस तरह से मजे से उसे खाते थे और किसी न किसी टॉपिक को लेके उनकी बहस चलती थी और देर तक ये सोबतें चलती थी परवेज मुशरफ और नवाज शरीफ ने भी थोड़ी हेल्प की थी आपकी टू मेक योर फादर उनको राजी करने में उनको उनसे सिफारिश की थी आपकी सिफारिश की थी नहीं वो <laughs> घर आए थे तो उनसे मुलाकात हो गई हाँ। ना तो उन्होंने बोला क्योंकि अब्बा को पहला मुस्लिम लीग की गोल्ड मेडल भी मिला था जो मियाँ नवाज शरीफ अच्छा। प्राइम मिनिस्टर थे तो मियाँ साहब ने भी कहा था क्योंकि मिसिस जो मिसेस कुलसूम नवाज थे ये तो दो तीन दफ़ा घर भी आए थे ना तो इन्होंने भी कहा था कि इसमें कोई बेस्ती वाली बात तो नहीं है मैं कहती इन्ना सोहना गांधा है, है लोग प्यार कर देने इज्जत कर देने येड़ा मतलब रवायती सिंगर मतलब ऐसा तो म्यूजिक तो आपका पैशन था लेकिन सियासत से आप भागते थे

जस्ट ने पहली दफा मुझे खलीफा सैफी के घर में सुना तो उन्होंने कहा अरे ये बेजू बावरा कहाँ से पकड़ लिया आपने हुँ. तो मैं वहाँ गाना गा रहा था और दुनिया के रखवाले उसी उन्हीं दिनों में मैंने सारेगा माविन किया था अच्छा तो वो गाना बड़ा हाई पिच पे था वो दुनिया के रखवाले सुंदर तो उन्होंने कहा ये तो हमारा बेजू है आज से और उन्होंने जाते ही मलिक रियाज साहब से कहा उन दिनों में इनका बैरिया बन रहा था और आ, इन बेग साहब का बेटा जो थे वो उसमें एक उहदे पर थे अच्छा तो उन्होंने कहा कि बेजू बाबरा आ रहा है तो इनका शो करवाते हैं तो लाल कलर की इंटरकूलर में मलिक रियाज साहब दी ग्रेट लव यू ये मुझे इस पिंडी एयरपोर्ट पे लेने आए वीआईपी से मैं टुटा पा निकला बाहर थका आगे खड़े थे उसमें इन्होंने कहा अदील बरकी आओ बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ मुझे इमरान खान के वलीमे पे भी आपने हजारों लोगों के सामने पहला, पहला पांच घंटे परफॉर्म किया था पहला बड़ा फंक्शन इमरान खान सब का वलीमा था जो जुमान पाक के पाक में हुआ था जुमाइमा वाली शादी का वो, वो सबसे बड़ा शो पहला वो था सही जिसमें बहुत हजारों लोग आए थे जी अच्छा आपका आलिशान घर कीमती घड़ियां ब्रांडेड ग्लासेस जूते शहाना लाइफस्टाइल और महंगे शौक म्यूजिक से पूरे होते हैं या आप बिजनेस भी करते हैं उसके लिए <laughs> ये क्या क्वेश्चन है सो एम्बेसिंग नो बट लाइक आजकल म्यूजिक में आपको क्या लगता है कि इज फाइनेंशियली इज इज स्टेबल यस बहुत अच्छा है, म्यूजिक वेरी तो आपको ये शुरू से शौक़ थे इतने इतने ब्रांडेड सब कुछ मुझे ही नहीं हुँ। तुम्हें नहीं है मुझे भी है सबको होते हैं आई लाइक like, हाँ सबको होते हैं और ये बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला सबके शौक़ पूरे करे बिल्कुल आपको शायरी के अलावा वैसे लिटरेचर भी पसंद है और तरह का बहुत बहुत किस तरह का हर तरह का अच्छा लिटरेचर यू लाइक रीडिंग अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो सही। आपके आगे आगे के क्या हैं? भी भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना हाँ, ना पीछे तो है? है। जो आज है इसे एंजॉय करें बस और जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है अगर आप किसी को दुख ना दें तो आपको दुख नहीं मिलता बिल्कुल ऐसे ही है, है। पर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है करना पड़ता है लेकिन पसंद नहीं यू प्रेफर कि मैं एक ही जगह पे सुकून से रहूं नहीं उसका नाम जिंदगी नहीं है अच्छा हाँ आ, मैं कभी कभी थक जाता हूँ क्योंकि फ्लाइट सुपर नीचे होती हैं इधर 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 देन फिर मुझे ख्याल आता है और

एवरी वन नोज दैट यूर एन एक्सपर्ट शेफ लेकिन आपको जितना खाना बनाने का शौक है उतना खाने का भी है आई यू फूड आई एम फूड What kind of food do you like? I'm chocoholic. अच्छा सही और बस दस दिन पूरी डाइट करूंगा और पांचवे दिन इतनी सारी चॉकलेट और इतना सारा डार्क चॉकलेट केक तो चॉकलेट <laughs> फाज केक और अच्छा मीठा आप ज्यादा पसंद करते हैं बहुत आई हैव स्वीट टूथ हाँ आपका पसंदीदा खाना मीठे में तो मीठा तो है लेकिन सेवरी में कुछ है बहुत सा <coughs> जैसे अभी पेस्टा पोस्टा और चाइनीज और जापानीज और ये सारे तो अपनी जगह लेकिन मुझे आजकल पालक गोश्त अच्छा करेले गोश्त भिंडी कचनार गोश्त वो मेथी आलू हम आपके मुंह में पानी आ रहा है मुझे लग रहा है आप जी बहुत अच्छे सेम लाइक अ फूडी हां अच्छा लच्छे वाला पराठा या बॉयल चावल <laughs> के साथ दाल चावल और <laughs> कचुंबर <कुछूमर> सैलेड <laughs> बिल्कुल बिल्कुल सही डू यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स मतलब बेस्ट फ्रेंड्स तो लिमिटेड हैं वैसे तो सारा जहान दोस्त है जी मतलब लाइक आपको कभी दोस्ती यारी में धोखा-धुका मिला हुआ है ए दिल दुखाने की बात करते हो इस जमाने यस मेरा सबसे बेस्ट और सबसे करीबी दोस्त उसने पैसे बस पैसे किसी रिश्ते में आने नहीं चाहिए हुँ। और मेरा बचपन का दोस्त और सबसे प्यारा दोस्त कारोबार के लिए मुझसे मेरा घर लिया और उसके बाद आज तक ना वो ना उसके बच्चे ना वो मेरी भाभी ना टेलीफोन आ, मतलब शहर से दूर एक एकड़ों में बड़ा सा महल बना के अपने तीस चालीस पचास नौकरों के साथ ऐसा गुम हुआ गेट पर भी नहीं मिलता लेकिन चलो भाई जान अल्लाह की आवाज़ तो आएगी एनी वे ऑन ए लाइटर साइड एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ आई एम टेक नेम्स और आपने उनको गाने डेडिकेट करने हैं जल्दी जल्दी जी सो फॉर एग्जाम्पल रीमा रीमा मैं पागल मेरा दिल भी पागल पागल ने दो ना एक दो जेल जी नहीं सकती मैं तो था तू मै ना मैं पागल ओके मरियम नवाज मैनू एमलुखी केंदे ने लड़की <laughs> लड़की मेरी अख सजना तेरे नाल जदों दी टकराई फले निरे अख सजणा बिलावल फट्टो <laughs> 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 नहीं माननी <नहीं> गाना उम <laughs> <laughs> um, सबा कमर सबा कमर देख तू तो द के उठ उठता है ये धुआं सा कहां से ओके okay, नवाज शरीफ नवाज शरीफ जादूगरा वे जादूगरा तेरी बीन दाह <laughs> ओके सजल अली फूल बन जाऊंगी मैं क्षमा कहलाऊंगी मैं मेरे सजना तेरे रंग में अब तो रंग जाऊंगी मैं ओ फूल बन एंड लास्टली कासिम के अब्बा देखो ये कौन आ गया बन के नशा छा गया खोई बहारो खोए नजारो उनके ख्यालों में खोए नजारो देखो ये कौन आ गया है रूठे हुए को मनाओ राहों में कलिया वेरी नाइस ओके अब हम नेक्स्ट गेम की तरफ चल रहे हैं मैं आपको डिशेस के नाम बताऊंगा और आपने किन पे शूट करती है आपने उनका नाम लेना है सो फॉर एग्जांपल शामी कबाब <laughs> मुजीबरमान शामी साहब पे <laughs> अच्छा um, बीफ पुलाव <laughs> शेख रशीद साहब पे <laughs> कद्दू <laughs> शिबाज शरीफ साहब बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, बेंगन फजलान साहब जलेबी उजमा साहिबा ओके आ, बर्गर बिलाल, बिल जरजारी साहब ठीक हो गया। अच्छा आपने काफी सियासतदानों के साथ वक्त गुजारा है कभी किसी सियासतदान ने वक्त गुजारे बट लाइक आपका उठना बैठना था उन लोगों में

आ, हनी भाभी ने एक प्रोग्राम में मैं गा रहा था तो उन्होंने आके तब ये सऊदी अरब में थे तो मियाँ शबाज शरीफ साहब ने फ़ोन पे मुझे फरमाइश की थी मैं इसलिए कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे बुलाइए प्राइम प्राइम मिनिस्टर हाउस में जल्दी वो गाना था तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाए और फिर मियाँ शबाशी साहब ने एक इंडियन डेलीगेट को डिनर दिया था शालीमार बाग में तो राना मशूद साहब आए मेरे पास कहने लगे कि मियाँ साहब ने कहा है कि शहनशाह अकबर का करेक्टर जो है वो सिर्फ आप कर सकते हैं अच्छा। तो मैंने कहा है कि उन्होंने बोला सिर्फ अपनी फौजी दस्ते के साथ आपने शालीमार गार्डन में सैर करते हुए गुजरना है एंड इट वॉज सो अमेजिंग बजल के वो जो डेलीगेशन था उनमें सी एम पंजाब भी थे इंडिया से और सारे वो लोग सीरियसली मुझे ऐसे मिलने लगे बाद में उन्होंने बताया कि इंडिया में अभी रियासतें भी हैं तो इसलिए मुझे यकीन ना आए कि वो मुझे क्या समझ रहे हैं

guys keep watching sami lounge and stay tuned thank you